सुल्तानपुर जिले के तिकोनिया पार्क में बहुजन समाज पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया, जिसमें बसपा के पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त ने शिरकत की। पूर्व सांसद ने पार्टी की कार्यशैली के बारे में बताया और मोदी सरकार पर निशाना भी साधते हुए कहा कि अभी एक हफ्ते पहले दलित महिला के पैर मोदी जी धोया है, वो दलित को बेवकूफ बना रहे हैं। हमें बेवकूफ नहीं बनना है, हमें मजबूती के साथ बहन मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। वहीं बसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में कुछ नए चेहरों को शामिल किया गया, जिसमें फिरोज अहमद की भूमिका विशेष तौर पर रही और फिरोज अहमद को जिला का प्रभारी बनाया। और पूर्व सांसद ने बताया कि फिरोज को पार्टी में शामिल करने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। कि जहां दलित, पिछड़ा, मुस्लिम और सर्वजन समाज इकट्ठा हो जाए तो मुकाबला किस बात का? भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर नजर नहीं आए। केंद्र में शासित भाजपा सरकार 1989 से लेकर के जब से वो पैदा हुई है और धरातल पे आई, कभी वो अपने आप को राम के पीछे छुपा लेती है, कभी उसने जो है अपने आप को देश के पीछे छुपा लिया। इस समय उसने सेना के पीछे छुपा करके सेना को आगे करके आपके खिलाफ संघर्ष का ऐलान किया है। आप सेना से तो नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन सेना के पीछे छुपी हुई भाजपा का मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए, भाजपा का मुकाबला हम नहीं, पूरा देश करने के लिए तैयार बैठा है। इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के सत्ता में आई थी, उन मुद्दों पर 10% भी काम करने का काम नहीं किया है। और इस देश की जनता, महान जनता, बहुत चालाक है, बहुत अच्छी तरह से समझती है। यही जनता ताज भी पहनाती है और यही जनता जमीन पर भी पहुँचाती है। तो मैं समझता हूँ आज ऐसा माहौल आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना साम दाम दंड भेद अपना ले, लेकिन 2019 को इनको सत्ता से बेदखल करके इस देश की जनता छोड़ रही है और नारा लगा रही है, तो क्या लगता है? अब ये मोदी मोदी का नारा तो मैं समझता हूँ आप ही सुने होंगे। मैं समझता हूँ कि नारा 2014 का था, इसके बाद तो मैं समझता हूँ आज इसकी जनता यहाँ की जो है मोदी को हटाने हटाने का नारा क्यों लगा रही है। नहीं नहीं, ये बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन था, आपको बैनर में लगा हुआ है। जब हमारा दोनों पार्टियों का कार्यकर्ता सम्मेलन होगा तो आप देखेंगे सपा बसपा सभी लोग आएंगे। धन्यवाद। ठीक है, आज हमें बहुजन समाज पार्टी बहन जी के निर्देश पर माननीय त्रिभुवन दास साहब ने आकर ये घोषणा की है और हम आने वाले लोकसभा चुनाव में जम के दिन रात मेहनत करके अपने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। बहुत अच्छा, बड़ा संघर्ष का दौर रहा है आपका दिलीप भाई, अब कैसा महसूस कर रहा है कि आज आपकी बड़ी जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी ने आपको दी है? हम तो बचपन से संघर्ष करते हुए चले आ रहे हैं, जो भी आगे जो भी कठिनाइयां आएंगी, जो भी सामना आएगा, उसका संघर्ष करेंगे। आप जहाँ से आते हैं उस पूरे एरिया में सुल्तानपुर जिले के आधे से ज्यादा सैनिक पाए जाते हैं, तो भारतीय सेना को लेकर के कोई? अब ये सवाल कहाँ कर रहे हैं? हेलो, भारत, भारतीय सेना पर हमें गर्व है और जहाँ कोई जो भी मामला होगा वो भारतीय सैनिक हमारे डट कर मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हमारे हमारे पिताजी भी भूतपूर्व सैनिक रहे हैं और हमारे खालू, हमारे आने हमारे 71 की लड़ाई में हमारे खालू और हमारे नाना शहीद हुए हैं देश के लिए। अगर आपने अभी तक हमारा समर इंडिया न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला प्रत्येक समाचार सबसे पहले आप तक।